हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विक्रम। आज मैं लेके आया हूँ, देख सकते हैं आप, रिमोट कंट्रोल ऑटो। इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके साथ फाइटिंग करवाने वाले हैं रिमोट कंट्रोल डीजे बॉक्स के साथ। चलो तो फटाफट से इसको अनबॉक्सिंग कर लेंगे। पहले अपन इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है ऑटो रिक्शा क्यूट एंड फनी स्टाइल डिजाइन टॉय। दिखने के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त दिया हुआ, सेम टू सेम ऑटो की तरफ मॉडल दिया हुआ है। ओके, इसके अंदर अपने को बैटरी ऑपरेटेड प्लस के साथ म्यूजिक आएगा एंड लाइटिंग के साथ दिया हुआ मॉडल। बॉक्स को ओपन कर लेंगे। इतने टाइम आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलो बॉक्स को ओपन कर लेंगे। ओके, देख सकते हैं आप, ऑटो बॉक्स से बाहर निकाल देंगे अपन। देख लीजिए, ये इसका रिमोट दिया हुआ है जो एकदम बहुत ही स्मॉल साइज के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, दो बटन्स दिए हुए इसके अंदर, फ्रंट बैक ओनली फॉर राइट लेफ्ट का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त दी हुई है। ओके, ऊपर की साइड के अंदर येलो कलर और इधर रेड कलर दिया हुआ है। इसके साथ इसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, मेड इन भारत। ओके, तो इसके अंदर बैटरीज लगा देंगे अपन, फिर आपको चला के एंड इसके साथ फाइटिंग करा के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, साइज़ की बात करें तो देख सकते हैं आप, साइज़ के अंदर ऑटो रिक्शा बहुत छोटा दिया हुआ है और अपना डीजे पिकअप बहुत ही बिग साइज़ के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो फटाफट से इसके अंदर बैटरीज वगैरह लगा के आपको चला के दिखा देता हूँ। ओके, देख सकते हैं आप दोस्तों, रिमोट के अंदर भी बैटरीज लगा दी, ऑटो के अंदर भी बैटरीज लगा दी। इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिए, इधर भी नाम लिखा हुआ मेड इन इंडिया। इसके साथ इसके अंदर इधर बैटरीज लगेगी, मैंने ऑलरेडी लगा दी है। तो रिमोट के अंदर भी दो बैटरीज ऑलरेडी मैंने लगा दी है। चलो चला के दिखा देता हूँ आपको। ओके, फ्रंट लेंगे, बैक ले लेंगे, देख सकते हैं आप, फ्रंट की साइड लूंगा। ओके, तो अभी दोनों की फाइटिंग करवाने वाले हैं अपन। चलो देखेंगे दोनों की स्पीड एंड फाइटिंग। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, दोनों को इधर रख दिया है। ठीक है, पिकअप को भी इधर रख दिया, उसके साथ ऑटो को भी इधर रख दिया है। अभी दोनों की फाइटिंग चेक करेंगे अपन। ठीक है, दोनों को फ्रंट की साइड लेंगे। ओके, देख सकते हैं आप, ऑटो एकदम अटक गया है, कुछ भी फिकर नहीं ऑटो के अंदर एकदम। इसमें बैटरी लाइटिंग आना भी एकदम ऑफ हो गया। ठीक है, रिटर्न से एक बार देख लीजिए। ओके, पिकअप के अंदर बहुत ज़्यादा वेट दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए ओके। तो दोनों में से आपको कौन सा मॉडल अच्छा लगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही दोनों की एक बार स्पीड चेक करेंगे। ओके दोस्तों, दोनों को फ्रंट की साइड लेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप, दोस्तों दोनों की फाइटिंग करवा दी। पिकअप की बात करें तो ज़्यादा इसके अंदर पिकअप की बहुत ही बिग साइज के अंदर दिया हुआ है। इसके साथ ही इसके अंदर टोटल बॉडी वुडन की बनी हुई है, तो इसके लिए इसका वेट ज़्यादा है, वो हिसाब से इसके इसको नहीं खींच पा रहा ऑटो। और ऑटो की बात करें तो टोटल प्लास्टिक बॉडी दी है एकदम नॉर्मल। ठीक है, इसके लिए इसमें कुछ ज़्यादा वेट नहीं है, ये अपने एक हाथ से भी उठा सकते हैं, इसकी एक हाथ से नहीं उठा सकते, बहुत ज़्यादा वेट है इसमें। ओके, तो दोनों में से आपको कौन सा मॉडल अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।